हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ पटेल दीक्षिता, अश्वमेघ विद्यालय पाड़ी। फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट एनवायरनमेंट, यूनिट नंबर 1, सुपर सेंसेस। इन दिस यूनिट वी आर डिस्कस अबाउट सेंसेस, स्मेल, हुज स्मेल वी लाइक and do not like. Okay, in last lecture we discuss about one story about Rajni and Susila. Okay, and I gave you some homework. I hope you complete it. Now the next is, let's see, write the name of a bird which has eyes in front of its head, like in humans. Friends, हमें bird यानी कि पक्षी, bird के नाम लिखने हैं जिसकी eyes front of its head, उसके head के front side में हो। ओके, लाइक इन ह्यूमंस, जैसे ह्यूमंस में उसकी आईज जो है वो हेड के फ्रंट आगे के भाग में हो, वैसे ही हमें एक बर्ड का नाम लिखना है। एन एग्जांपल, ऑल। ऑल जो है उसमें आप देख सकते हैं कि उसकी आईज जो है लाइक ह्यूमन, ह्यूमन के जैसे फेस जो है उसका, वो उसका फेस यानी कि उसके हेड जो है उसके फ्रंट साइड में, मतलब कि आगे के भाग में है। नाउ यू फाइंड आउट सम मोर एग्जांपल ऑफ बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। ओके, नाउ नेक्स्ट, राइट नेम ऑफ सम बर्ड विच हैव आईज on either side of the head, मतलब कि हमें कुछ पक्षी बर्ड के नाम नेम लिखने हैं कि जिसकी आईज जो है on either side of the head. What is the size of their eyes as compared to the size of their head? हमें कुछ बर्ड के नाम लिखने हैं जो कि इसकी आईज जो है वो आइदर साइड ऑफ द हेड हो। एन एग्जांपल, पैरट। आप देख सकते हैं कि पैरट जो है उसकी आईज जो है वो उसके हेड के फ्रंट साइड में नहीं है, जब जो उसकी आईज है वो उसके आइदर साइड, मतलब कि फेस के साइड के भाग में है। सेकेंड वन इज हैन। हैन में भी आप देख सकते हैं कि उसकी, हैन की जो आईज है वो उसके हेड है उसके साइड के, मतलब के अदर साइड, मतलब साइड में है। एंड उसका जो हेड है उसके कंपैरिजन में जो आईज है उसकी साइज आप देख सकते हैं। द थर्ड वन इज पिजन। पिजन जो है उसकी आईज भी उसके हेड के फ्रंट साइड में नहीं है, और उसकी साइज उसके हेड के कंपैरिजन में और हैन एंड पैरट के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं। नाउ यू फाइंड आउट सम मोर एग्जांपल ऑफ बर्ड विच हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ बर्ड हैव their eyes on either side of the head, मतलब ज़्यादातर बर्ड जो है उसकी आईज जो है वो either side of the head, मतलब हेड की साइड में है। their eyes can focus on two different things at a time, हम जो है वो एक टाइम में एक ही चीज़ को फोकस कर सकते हैं, हम दोनों आँख से दो अलग अलग चीज़ को फोकस नहीं कर सकते। जबकि बर्ड में जो है जिसकी आईज जो है
वो आइदर साइड ऑफ द हेड, मतलब कि हेड के साइड में है, वो जो है वो फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग एट अ टाइम, मतलब एक ही टाइम पे दो डिफरेंट चीज़ें फोकस कर सकते हैं। वेन दे लुक स्ट्रेट हेड बोथ देर आईज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, मतलब वो जब सामने की ओर देख रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि वो जब सामने की ओर देखते हैं तब उनकी आईज जो है वो एक ही चीज़ पे फोकस करती है। यू मस्ट हैव सीन बर्ड मूविंग देर नेक वेरी ऑफ्टन। आपने बर्ड्स को जो है वो मूविंग देयर नेक वेरी ऑफ्टन, ऑफ्टन मीन्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ओके, तो आपने बर्ड्स को जो है वो अपनी नेक नेक जो है उसको मूव करते हुए देखा होगा। डू यू नो भाई वो ऐसा क्यों करते हैं? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, मतलब जो बर्ड्स हैं उनमें उनकी आईज जो है वो फिक्स है, वो मूवमेंट नहीं कर सकती। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड, मतलब वो आसपास देखने के लिए अपना हेड जो है वो उसे ही मूव करते हैं। लुकिंग द डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप ऑफ बर्ड। नेक्स्ट, लुकिंग विथ वन और बोथ आईज। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड। आपको आपकी आंखें जो है उसमें से राइट साइड की आंख जो है उसे आई जो है राइट साइड की उसे बंद करना है, या फिर कवर इट विथ योर हैंड, आपके हैंड से उसे कवर करना है। लाइक इस तरह से आपको आपकी राइट साइड की हैंड है, राइट साइड की जो आईज है उसे हैंड से कवर करना है। नाउ टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, लाइक वेव हैंड, हैंड को जो है वो वेव करना है, या फिर शेक हेड, मतलब हेड जो है उसे हिलाना है। देन सम क्वेश्चन, कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? आप जो है वो आपके फ्रेंड ने जो एक्शन की उसे अपना नेक मतलब अपनी गर्दन को हिलाए बिना क्या उसे देख सकते हैं? आपको ये एक्टिविटी करनी है और फिर उसका आंसर आपकी नोटबुक में लिखना है। सेकेंड इज, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड सेक्शन विथ बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक, मतलब बोथ योर आईज ओपन मीन्स आपको आपकी दोनों आंख खोल के ओपन करके आपके फ्रेंड ने जो एक्शन की वो देखना है, लेकिन विदाउट मूविंग योर नेक, बट विदाउट मूविंग योर नेक मतलब आपकी गर्दन को हिलाए बिना आपको वो एक्शन देखनी है। वॉट वॉज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आईज? आपने जब फर्स्ट जो पार्ट था कि आपने अपनी एक आईज जो है वो बंद की थी तब जो आपने देखा, और आपने जब आपकी बोथ आईज दोनों आंखें जो थी वो बंद करके देखा, तो उन दोनों में डिफरेंट क्या था वो आपको फाइंड करना है और लिखना है। नाउ द नेक्स्ट, नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। एक कॉइन और बॉल आपको टॉस करना है और उसे कैच करना है। ट्राई दिस विथ बोथ योर आईज ओपन, आपको ये आपकी दोनों आंखें ओपन करके ट्राई करना है। देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट,
एक आंख बंद करके वो कॉइन जो है उसे कैच करने की ट्राई करना है। When was it easier to catch? दोनों में क्या इजी है, कैच करना किस पोजीशन में आपको इजी लगा वो आपको लिखना है। द लास्ट वन इज इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। जस्ट इमेजिन कि आपकी आपकी आंखें जो है वो आपके कानों की जगह हो तो आप क्या कर पाओगे जो आप अभी नहीं कर सकते। ओके, तो जो आपकी आईज जो है उसका प्लेस आपकी कानों की जगह हो तो आप क्या कर सकते हो जो अभी आप नहीं कर सकते। देन सम बर्ड लाइक काइट, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 times as far as we can. Far, far means away, और जिसे हम long distance भी बोलते हैं, long distance. Okay, तो जैसे कि kite है, eagle है, vulture है, vultures means गीत, हम हिंदी में उसे गीत बोलते हैं, तो वो गीत या फिर ईगल या काइट जो है वो कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन, हम जो देख सकते हैं उसे 4 times एज फार मतलब 4 गुना लॉन्ग डिस्टेंस का जो होता है वो देख सकते हैं। दिस बर्ड कैन सी थिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 meters वी कैन सी फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 2 meter, हम जो 2 meter का डिस्टेंस का जो है वो क्लियर देख सकते हैं उस तरह से वो बर्ड्स जो है वो 8 meter डिस्टेंस का जो है वो क्लियरली देख सकते हैं। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड, आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि स्काई मतलब आकाश में जो ईगल है वो जमीन पर एक रोटी को कितनी दूरी से देख सकता है। यू ट्राई टू फाइंड इट, ओके, इट्स योर होमवर्क, ओके, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, थैंक यू।